बारात में शामिल होने के युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंका, जिन्होंने कराया पोस्टमार्टम उन पर लगा हत्या के आरोप। जिले के सीहोर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम नरोवा के एक भाई ने अपने भाई की हत्या कर शव को कुएं में फेंकने के आरोप लगाए हैं। घटना 18 तारीख की बताई है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज SP को ज्ञापन सौंपा है। जानकारी के अनुसार मृतक के भाई पवन जाटव निवासी ग्राम नरोवा थाना सीहोर ने बताया कि 18 अप्रैल को गाँव के दीपक जाटव की बारात ग्राम नरोवा से ग्राम टोकनपुर जा रही थी, तभी मेरा भाई भगवान दास बारात में शामिल होने गया था। ग्राम टोकनपुर में डीजे पर नाचते समय मेरा भाई भगवान दास जाटव का विवाद नवल सिंह पुत्र गोपी राम जाटव, शेखर पुत्र ग्यासी राम जाटव, सुनील योगी पुत्र मोहनदास योगी, छोटू पुत्र होतम जाटव के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद मेरे भाई भगवान दास की मारपीट की गई, गांव के बाहर ले गए और उसकी हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया। इसकी सूचना जब परिजनों को मिली तो परिजन जब पहुंचे तो उन्होंने भाई का शव PM हाउस में पाया और उन्होंने बताया कि भगवान दास के नाम की जगह उन्होंने विजय जाटव नाम लिखा दिया था। करारा थाना पुलिस पर मर्जी की खिलाफ रिपोर्ट लिखने की आरोप भी लगाए है। SP को आवेदन देकर निष्पक्ष जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मरे वा कैसी परत मरे वा मरे वा लाल कतई आती ना ज्यादा वा लाल आती और ना ज्यादा सफेद आती लाल वाने आती और जींस को पैंट आतो वो मुंडा भी फेर आतो है उसको मारा गया तो जय ठोर पे मारो नहीं इना नहीं मारो लड़ाई जय ठोर पे भाई लड़ाई जय ठोर पे भाई हां उसको यही मारा जैसे काम भग गए थे चलेगा वो तो हां मतलब उसको यही मारा मतलब ऐसे नहीं मारा नहीं मतलब वैसे कोटाई थी यही करी है कोटाई कर के फिर भी आएंगे 3 भाग आएंगे वो बच्चों तो दूसरा उठा के लेगा 5 आवागा वो बच्चा भी खुआगा सो फिर चलेगा वो उठ के होते अब वो जो पता नहीं है कि बॉय गरीब है जान मारो के बंसाई पे मारो आम के बगल में मारो तो फिर कहता रहे लगनी है भाई अगी जिनमें क्या हो गया आपके साले के साथ में? साले के साथ में सर जी वो नवल सिंह जी बुला के ले गए भाई और जिन लोगों ने वो अभी कहा था लाश उठा के लाए और जिन नहीं बाबू पोस्टमार्टम कराओ इन लोगों को तो बाद में खबर दे। आपको क्या लगता है किसने क्या किया है आपके साले के साथ? जो वहाँ एक अम्मा है नहीं वो भी बता रहे हैं कि 3-4 लोगों ने इसे मारा है और इसको मारने के कुआं फेंक दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा मारपीट कर हत्या की है उसके बाद कुएं सबको कुएं में फेंका है? फेंका है वहाँ के लोग भी कह रहे हैं। तो ये बात आपने पुलिस को नहीं बताई? और पुलिस को बताई तो पुलिस मान ही नहीं रही सर, सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं है, धमकी दे रही है। और रही बात बाकी जी के कागज और जी गवाह पवाह की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि गवाह भी है एक आदमी, एक इंसान भी, एक आदमी गवाह भी है हमारे पास में, लेकिन जो बाकी मान नहीं रही। अब आप क्या चाहते हो? न्याय चाहते हैं सर। पवन जाटव कहाँ से आए हो आप? नरोवा गाँव। अरे क्या समस्या लेके SP ऑफिस पे आए हो? ये समस्या ले गया सर, मेरे भाई की हत्या की गई है, कुआ में मार के डाला है। कैसे क्या घटना हुआ था, क्या हुआ था आपके भाई के साथ में? हमारे भाई सर वो घर पे बुला के ले गए नमन सिंह शेखर, चल मैं खर्चा दूंगा बारात में, वो इन्होंने 3 बजे मारा, सब कुआ में ढूंढ के मारा सर और सब लोग देख रहे। कुएं में तो पानी ही नहीं था ना? पानी नहीं था सर, बल्कि पुलिस ने सब लोगों ने मारपीट के कुआ में पानी था। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। आपको किस पे शक है, कौन ने हत्या की होगी आपके भाई की? शेखर नमन सिंह, सुशील योगी, छोटू जाटव। ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है कि इन लोगों ने हत्या की, क्या कारण था? सर ये कारण है कि सर जिन्हें झूठ बोला हमसे, इन्हीं ने सर पोस्टमार्टम करवाया अपने नाम से और पोस्टमार्टम होने के बाद लाश मिली हमको। अच्छा आपको तो जब सूचना मिली जब पोस्टमार्टम हो गया? खत्म हो गया सर, और वही सूचना करता पोस्टमार्टम में, वही सूचना करता नवल सिंह और जितेंद्र, इसलिए आपको शक है कि उन लोगों ने हत्या की है? उन्होंने हत्या की सर। तो आपने ये बात पुलिस को नहीं बताई? पुलिस क्या बताया सर? कोई सुनवाई नहीं हुई सर, सब चीज़ बता दी कि सर मारा है, नामदर रिपोर्ट भी लिखवाई, आवेदन दिया हमने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। कब की घटना है ये सब? 18 तारीख सर।